सो हेलो गाइस, वेलकम टू इंटेक। तो गाइस, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस Asus के गेमिंग लैपटॉप बैकपैक के बारे में। और अगर मैं इसके मॉडल नंबर की बात करूं तो भाई क्या क्या मॉडल नंबर आते हैं तो समझ नहीं आता। तो इसका मॉडल नंबर है ROG BP4701 गेमिंग बैकपैक। पता नहीं क्या सोच के नाम रखा था। तो हाँ यार, इसी के बारे में हम आज वीडियो में बात करने वाले हैं। और मेरे को समथिंग अराउंड 1 वीक से ज्यादा हो गया इसको यूज करते हुए, उसके बाद मैं इसका रिव्यू कर रहा हूँ। तो हाँ यार, आप कह सकते हो कि मैं बहुत टाइम से इसको यूज कर रहा हूँ, उसके बाद आपको इसका रिव्यू दे रहा हूँ। यानी कई सारे घूमने वाली जगह पे लेके गया टेस्ट करने के लिए, मैंने इसको कई सारी चीजें इसमें फेस करी है, प्रोज एंड कॉन्स, तो उसके बारे में आपको इसमें बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं इस इंट्रो के साथ। अगर पहली बात करें तो मेनली अगर मैं फ्रंट साइड की बात करूं तो आपको उसमें शाइनी मटेरियल देखने को मिलता है, जो कि अगर यहाँ पे आप देख सकते हो स्क्रीन पे, अपने वीडियो जो चल रहा होगा उसमें ये ROG जो भी लोगो है ये शाइन मारता है। और यहाँ फ्रंट में आपको रिपब्लिक ऑफ गेमर देखने को मिलता है, बैक साइड में भी आपको रिपब्लिक ऑफ गेमर देखने को मिलता है स्ट्रैप के साइड में। और बैक साइड में ब्रीदेबल मटेरियल है, जिससे कि आपके जो स्वेट ये सब आता है वो आपको एब्जॉर्ब ये सब हो जाएगा। जितनी भी इसकी चेन है उसके ऊपर ROG का टैग लगा हुआ है। अगर मैं चेन की बात करूँ तो वो रबर फिनिश है और रबर प्लस प्लास्टिक टाइप फील थोड़ा देता है, लेकिन आपको काफी टाइम तक ये चेन चल जाएगी। साथ ही साथ में अगर मैं इसके कंपार्टमेंट की बात करूँ, यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड में एक बॉटल रखने का कंपार्टमेंट है और राइट साइड में भी आपको एक बॉटल रखने का कंपार्टमेंट है, जहाँ पे आपको जो रखना है वो रख सकते हैं। और साथ ही में कुछ स्ट्रैप दिए गए जिसमें कि आप पेन या फिर कुछ अपने लटकाने वाली चीजें इसमें अटैच कर सकते हैं। फ्रंट साइड में आपको एक चेन देखने को मिलती है जिसमें कि आप अपने कुछ छोटे मोटे सामान रख सकते हैं। और बाकी जो मेन कंपार्टमेंट है वो ऊपर साइड से खुलता है, जो कि एक रोल अप फीचर है, तो यानी आपको थोड़ा ट्रैकिंग टाइप बैकपैक की आपको फील आने वाली है। और इसमें अगर आप देखेंगे तो काफी ज्यादा बड़ा इसमें कंपार्टमेंट देखने को मिलता है, 17 इंच तक का आपको इसमें कंपार्टमेंट देखने को मिलता है, जिसको कि आप रोल अप कर सकते हैं। और यानी समझ लीजिए आप इसमें 17 इंच तक की आप चीजें इसमें स्टोर कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ का जो बकल है उसको आप थोड़ा सा लार्ज कर सकते हैं, यानी कि आप इसको एक्सटेंड कर सकते हैं और उसको लॉक कर सकते हैं। ऊपर साइड में आपको इसमें सक्शन मटेरियल देखने को मिलता है, यानी कि आप इसमें चिपका सकते हैं इसको। और टाइट और ढीला करने के लिए आपको इसमें उसी साइड में चेन देखने को मिलती है। यहाँ पे आपको बैग को लटकाने के लिए एक हुक टाइप देखने को मिलता है, जिससे कि आप अपने बैग को कहीं पर भी लटका सकते हैं। साथ ही साथ में बैक साइड में आपको एक चेन मिलती है, जो कि इजी टू एक्सेस चेन है, जहाँ पे कि अगर आप लैपटॉप डालते हैं, अपना टैबलेट डालते हैं, तो वो यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। तो ये सब तो मैंने बात कर ली कंपार्टमेंट की, बस यही सब चीजें थी इसके लैपटॉप के अंदर। कंपार्टमेंट इतने ज्यादा नहीं है, यानी कि अगर आप स्टोर करते चीजें तो आप थोड़ी सी चीजें ही स्टोर कर पाएंगे। लेकिन अगर मैं बात करूं तो मैं इसको काफी टाइम से यूज कर रहा था और मेरे पास इतना गेमिंग लैपटॉप ये सब तो है नहीं, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको एक ट्रिप पे ले जाता हूं। और मैंने इसको एक ट्रिप पे ले गया, वहां पे मैंने इसको यूज करा। और अगर इसके ड्यूरेबिलिटी की बात करूं तो ड्यूरेबिलिटी काफी ज्यादा शानदार है। अगर मैं इसके कपड़े की बात करूं तो इसका जूट टाइप का आपको इसमें कपड़ा देखने को मिलता है, और फ्रंट साइड में आपको लेदर का कपड़ा देखने को मिलता है, जो कि काफी ज्यादा सही साट है, यानी कि आपको आराम से 2 साल तो आराम से बैग चल ही जाएगा अगर आप रफ एंड टफ यूज करते हैं तो। अगर मैं गेमिंग वाइज की बात करूं तो आप इसमें अपने लैपटॉप कीबोर्ड माउस और ये सब रख सकते हैं, अगर आप गेमिंग लैपटॉप रखते हैं तो हाँ इजिली ये सब चीजें स्टोर हो जाएगी। लेकिन अगर आप ट्रैकिंग ये सब के लिए ले जाते हैं तो आप इसमें कपड़े काफी ज्यादा इजिली स्टोर कर सकते हैं, और आप काफी ज्यादा फुल भी जाता है ये बैग, तो मेरे हिसाब से ये ट्रैकिंग के लिए भी काफी ज्यादा सही साट बैग हो सकता है। और जो इसका फ्रंट में जो ग्लोइंग जो फीचर है वो काफी ज्यादा अच्छा लगता है, अगर आप इसको धूप में जरा सा शाइन करते हैं तो, जैसा कि आप वीडियो देख रहे होंगे हल्का सा शाइन करता है तो काफी ज्यादा यूनिक फील देता है। अगर आप इसको रोल अप करके रखते हो, इसको टांगते हैं, तो जैसे कि मैं अगर आपको दिखाऊं तो मैं यहाँ पे इसको रोल अप कर देता हूँ, इसको बकल अप करता हूँ, तो अगर मैं इसको पहनूंगा तो यहाँ पे मेरे को टैक बैकपैक टाइप फील आ रहा है, यानी कि आपको ये थोड़ा सा टैग बैकपैक टाइप आपको उसमें देखने को मिलेगा, तो आप इसमें अपने टेक्नोलॉजी इन सब का भी सामान रख सकते हैं, तो एक यूनिवर्सल बैग बोल सकता हूँ मैं इसको, ना कि सिर्फ एक गेमिंग बैग। अब इसमें कुछ ऐसी चीजें बात करता हूँ जो कि मैंने इसमें फेस करी है, जो कि इसका फ्रंट साइड है वो थोड़ा लेदर टाइप मटेरियल है, तो अगर आप अपना इसमें लैपटॉप रखते हैं या फिर आप कुछ भी चीजें रखते हैं तो वो काफी ज्यादा गर्म हो जाएगी अगर आप धूप में इसको लेके जाते हैं, यानी कि वो काफी ज्यादा हीटअप हो जाता है, यानी कि बिल्कुल तपने
फटने लग जाता है भाई बैग। मैं जैसे जहाँ पे घूमने गया था वहाँ पे काफी ज्यादा सन एंड थोड़ा वाटरफॉल ये सब था और सनलाइट काफी ज्यादा थी, तो वहाँ पे काफी ज्यादा हीटअप हो गया था ये। तो हाँ, ये इसमें एक कॉन है। लेकिन अगर मैं इसके मटेरियल की बात करूँ, अगर इसकी क्वालिटी की बात करूँ, तो ये बिल्कुल टॉप नॉच क्वालिटी का आपको इसमें देखने को मिलता है। इसके जूट मटेरियल, मैं इसको शॉर्टली नहीं बोल सकता कि ये जूट मटेरियल है या फिर क्या, लेकिन मैं अगर आपको कंफर्म करके इसमें यहाँ पे टैग्स लिख के दे दूंगा कि कौन सा मटेरियल है। प्लस इसका जो फ्रंट साइड है वो लेदर वाला जो मटेरियल वो भी काफी ज्यादा सही साइड है, यानी कि बिल्कुल एक रगेड बैग देखने को आपको इसमें मिलता है। और स्पेशल बात ये है कि आप इसमें लैपटॉप तो डाल ही सकते हैं, लेकिन किसी भी इंच तक का आप इसमें लैपटॉप डाल सकते हैं, यानी कि 17 इंच तक का भी रख सकते हैं, और साथ ही साथ में एक छोटे से छोटा बैग भी रख सकते हैं। अगर आपको छोटा बैग करना है तो आप इसको फोल्ड अप कर सकते हैं, अगर आपको कुछ बड़ा लैपटॉप या सामान रखना है या फिर पेरिफेरल रखना है तो आप इसको रोल आउट कर सकते हैं और उसमें काफी ज्यादा बड़ी चीजें भी स्टोर कर सकते हैं। तो गाइस, अगर मैं इसकी प्राइसिंग की बात करूं तो वो अमेजोन पे समथिंग अराउंड 3500 समथिंग के आसपास चलती है, लेकिन ये करंटली अनअवेलेबल है तो मैं इसकी प्राइसिंग आपको फुली कंफर्म नहीं बता सकता, लेकिन ये काफी ज्यादा इजीली आपको अवेलेबल हो जाएगा थोड़े टाइम में। तो मैं आपको इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अगर मैंने प्राइसिंग के बारे में बता दिया आपको, समथिंग 3500-3200 के बीच में आपको इसमें प्राइसिंग रहेगी इसकी, तो वहां पे आप जाके डिस्क्रिप्शन में चेकआउट कर सकते हैं इसके लिंक को। अगर मैं इसका फाइनल वर्डिक्ट की बात करूं तो अगर आप इसको ओवरऑल यूजेज के लिए लेना चाहते हैं तो काफी ज्यादा सही साइड बैग है, लेकिन अगर आप सिर्फ गेमिंग बैग के लिए लेना चाहते हैं तो आप इसको साइड में कर दीजिए, कोई सा दूसरा बैकपैक लीजिए। जैसे कि मैं अगर आपको बताऊं, ये एचपी का एक बैग आता है ओडिसी करके, वो काफी ज्यादा सही साइड बैग है। इसमें आप अपने लैपटॉप गेमिंग या फिर इन सब का सामान स्टोर कर सकते हैं, साथ ही साथ में अपना कैमरा इन सब का भी इक्विपमेंट ये सब स्टोर कर सकते हैं। और इस बैग को मैं बहुत टाइम से यूज कर रहा हूँ, तो काफी ज्यादा सही साइड बैग है ये वाला। तो अगर आप गेमिंग इन सब के लिए जाते हैं तो एचपी का ये वाला बैग ले सकते हैं, जो कि सिर्फ 1500 समथिंग या फिर 1800 का आता है, और इसका हायर वेरिएंट 2500 रुपए का आता है, तो आप इसके लिए जा सकते हैं। और ये वाला जो बैग है वो 3200 से लेकर 3500 के बीच में आता है। और अगर आप ओवरऑल यूजेज के लिए लेना चाहते हैं, जैसे कि आपकी ट्रैकिंग ये सब में जा सके, टैग बैकपैक हो जाए, गेमिंग बैग हो जाए, तो आप इस ASUS वाले गेमिंग बैग की तरफ जा सकते हैं। तो गाइस, मैं आशा करता हूँ इस वीडियो में मैंने पूरा इस बैकपैक के बारे में कवर कर दिया होगा, और ज्यादा कंपार्टमेंट थे नहीं इसमें, यानी कि अगर मैं आपको फुल से थोड़ा गिनाऊं तो 2 बॉटल के कंपार्टमेंट है। अगर आप पैन वैन रखना चाहते हैं तो आप उसमें वो सब रख सकते हैं। उसके अपर टाइप में आपको स्ट्रैप देखने को मिलता है। आप इसको इसमें फ्रंट साइड में एक चेन है, बैक साइड में आपको एक शॉर्टकट चेन है आपको मेन कंपार्टमेंट के लिए, और मेन कंपार्टमेंट 17 इंच तक का आपको इसमें बैग है। और अगर मैं इसके वेट की बात करूं तो वो समथिंग 63 ग्राम्स का आपको इसमें वेट देखने को मिलता है। तो मैं आशा करता हूं आपको पसंद आएगा, पसंद इसको लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे कंटेंट लाते रहूंगा, और लाइक कर देना इस वीडियो को अगर आपको पसंद आता है। और अगर आपके कोई दोस्तों ने जो कि गेमिंग लैपटॉप बैकपैक सर्च कर रहे हैं या फिर ये वाला लैपटॉप या फिर ये वाला बैकपैक लेना चाहते हैं, तो आप ये वाला वीडियो उसको शेयर कर सकते हैं, जिससे कि मेरी भी हेल्प होगी, उसको भी हेल्प होगी। तो हाँ यार, थोड़ा सोशल वर्क करना चाहिए। तो बस यार, आज के इस वीडियो के लिए इतना ही था। लास्ट में कहूंगा, प्लीज।